नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल शेडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, जबकि एक नए आर्मेचर को रिवाइंड करते हैं या नए आर्मेचर की मैन्युफैक्चरिंग करके उसको वाइंडिंग करते हैं उसके ऊपर, या फिर जले हुए आर्मेचर को रिवाइंड करते हैं, तो आर्मेचर वाइंडिंग में कौन कौन से दोष उत्पन्न हो जाते हैं और उन दोष उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं। जब आर्मेचर किसी डीसी मशीन में प्रयोग करोगे या आप नए आर्मेचर को रिवाइंड कर रहे हो या फिर नए आर्मेचर को वाउंड करके आप प्रयोग कर रहे हो, तो उस आर्मेचर को उसकी आर्मेचर की टेस्टिंग करना जरूरी है। तो टेस्टिंग क्यों की जाती है? किसी में कोई दोष तो नहीं है? यदि उसमें कोई दोष है तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि उस दोष के कारण क्या हो सकते हैं। यदि अपने को कारणों का पता होगा तो उसका निवारण भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये देखना जरूरी कि दोष का पता कैसे लगेगा, उस दोष का पता लगाना भी जरूरी होगा, अन्यथा अपन को क्या पता लगेगा कि दोष है या नहीं है। इसलिए उस आर्मेचर की टेस्टिंग की जाती है। तो आर्मेचर में उत्पन्न होने वाले दोष और आर्मेचर में उत्पन्न होने के दोष की पहचान करना और उनके निवारण करना, ये वाइंडिंग के चैप्टर में डीसी मशीन में अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर काफी लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी क्वेश्चन पेपर को खोल के देखोगे तो आपको अवश्य मिल जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन। तो इस वीडियो को कंप्लीट रूप से पूरा देखना, क्योंकि जब तक आप दोष के कारण को नहीं समझ पाओगे तो उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाएगा और पहचान करने के बाद उसका निवारण करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट एंड तक पूरा कंप्लीट रूप से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में आप लोगों ने काफ़ी वीडियो देखे हैं और काफ़ी सिलेबस का अध्ययन किया है, क्योंकि अपनी जो वाइंडिंग का चैप्टर चल रहा है उसमें क्लोज वाइंडिंग की बात कर रहे हैं। क्लोज वाइंडिंग का चैप्टर चल रहा है, इसमें काफ़ी वीडियो आपको मैंने पढ़ाए हैं और अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन किया है। और शायद ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहा होगा कि जिसके प्रति आपके मन में कोई डाउट हो या आपके मन में कोई शंका हो या कोई समस्या उत्पन्न हुई हो। फिर भी दोस्तों, किसी प्रकार की समस्या है तो मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि सर ये समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई है, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। आपकी समस्या का समाधान करके ही आपको आगे कुछ और पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं जब नए आर्मेचर को वाउंड करते हैं या वाइंडिंग करते हैं या फिर रिवाइंड करते हैं, तो उत्पन्न होने वाले दोष कौन कौन से होते हैं और उन दोषों के कारण क्या होते हैं, ये देखना जरूरी है। तो आर्मेचर वाइंडिंग फॉल्ट देखेंगे, क्या देखेंगे? आर्मेचर वाइंडिंग फॉल्ट ये देखेंगे, इसको कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग में दोष। अब कब उत्पन्न होते हैं? मेरी बातें आप गौर से सुना करो और एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखा करो। जितने बातें आपको बताता हूं बिल्कुल सीरियसली होकर पढ़ाता हूं आपको, कि कोई क्वेश्चन आपका गलत न हो जाए, और कंप्लीट रूप से नियमित पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं आप लोगों को। और कंप्लीट रूप से आपको नियमित पैटर्न का सिलेबस इतना ईजी कर दिया है, यदि आप मेरे पूरे सिलेबस का नोट्स बनाते हो तो इतना ईजी कर दिया है कि आपको शायद ही कहीं समस्या आने वाली होगी, ठीक है। तो अब ये दोष होंगे कहाँ? नए आर्मेचर को वाइंडिंग करेंगे या नए आर्मेचर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब ये दोष उत्पन्न हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जब आर्मेचर वाइंडिंग जल जाती है और उसको रिवाइंड करते हैं तब उस वाइंडिंग में ये दोष उत्पन्न हो सकते हैं। कौन कौन से दोष होंगे? सबसे पहले उस दोष को देखना जरूरी है। सबसे पहला दोष होगा शॉर्ट सर्किट दोष। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को कहें लघु पतन दोष, एक ये हो सकता है। दूसरा दोष होगा आपका ओपन सर्किट दोष, ओपन सर्किट फॉल्ट, इसको कहेंगे खुला पथन दोष, दो तो ये हो गए। तीसरा होगा आपका अर्थ फॉल्ट, इसको कहेंगे भूसंपर्कन दोष, भूसंपर्कन दोष, एक ये हो गया। और एक दोष ये नए आर्मेचर में ही होता है, हो जरूर जाता है, होता है, लेकिन आप ये कहोगे सर ये कब हो सकता है? क्या आर्मेचर स्थापित आर्मेचर को प्रयोग करने के बाद होता है? नहीं, जब आर्मेचर को आप रिवाइंड करेंगे उसी समय दोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है, उसको कहेंगे क्वाइल रिवर्स फॉल्ट, क्वाइल रिवर्स फॉल्ट, रिवर्स करेक्शन फॉल्ट, क्वाइल रिवर्स
कनेक्शन फॉल्ट, इसको कहेंगे विपरीत संयोजन दोष। ठीक है ना, कुंडलन का विपरीत संयोजन दोष होता है। तो इन दोषों का आज ये अध्ययन करेंगे कि दोष कब उत्पन्न होते हैं और ये दोष कहते किसे हैं। इसके पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और अगले वीडियो आप अगला यदि अध्ययन करोगे तो आपको जोर नहीं आएगा। तो एक एक बारी बारी से चारों दोषों का अध्ययन कर लेते हैं, उनके कारणों का पता कर लेते हैं कि दोष क्यों उत्पन्न होते हैं, कब उत्पन्न होते हैं, यह भी देखना आप लोगों को अनिवार्य है। तो बारीकी से आप धीरे धीरे सारे नोट्स बना लेना और लिखना। अब आपको बताता हूं कि दोष के कारण क्या हो सकते हैं, किन किन कारणों से ये दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले दोष का अध्ययन करते हैं। दोष क्यों होता है, कौन सा शॉर्ट सर्किट देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट सर्किट दोष। देखो आर्मेचर पर आप वाइंडिंग करोगे, चाहे लेफ्ट वाइंडिंग करेंगे चाहे राइट वाइंडिंग करेंगे, उससे अपने को फर्क पड़ने वाला है, किसी भी प्रकार की आप वाइंडिंग करोगे। ठीक है, तो अब ये शॉर्ट सर्किट दोष क्यों होगा कि कॉइल आपस में शॉर्ट हो जाना, कॉइल आपस में टच हो जाना, एक कॉइल से दूसरी कॉइल या कॉइल आपस में टच हो जाना, या फिर कॉइलों के जहां संयोजन होते हैं वहां कॉइलों के लीड आपस में टच हो जाना या आपस में स्पर्श कर जाना। ठीक है, तो ये दोष कहते कैसे हैं, पहले तो ये देखेंगे कहते किसे हैं, फिर ये देखेंगे इसके कारण क्या हो सकते हैं, यही चारों दोषों के बारे में ध्यान करेंगे। तो आर्मेचर वाइंडिंग में किसी भी क्वाइल की लीड का आपस में वैद्युतिक रूप से स्पर्श करना, मेरी बात को समझना कि कहते कैसे हैं। आर्मेचर वाइंडिंग में किसी भी क्वाइल की, क्वाइल बहुत है कि आर्मेचर वाइंडिंग में किसी भी क्वाइल का, क्वाइल की लीड का आपस में वैद्युतिक रूप से स्पर्श करना, या फिर ये कह सकते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट का वैद्युतिक रूप से आपस में स्पर्श करना, ये दोष कहलाता है। किसी आर्मेचर में लिख देता हूं थोड़ा, आर्मेचर में किसी भी क्वाइल लीड्स का आपस में वैद्युतिक रूप से, तथा दूसरा लिख देता हूं कम्यूटेटर सेगमेंट का आपस में वैद्युतिक रूप से स्पर्श करना शॉर्ट सर्किट दोष होता है। क्या होगा, शॉर्ट सर्किट दोष। यह तो इसकी पहचान है कि ये कहेंगे किसी इस प्रकार की जो कंडीशन आ जाती है तो उसको कहेंगे ये शॉर्ट सर्किट दोष होता है। अब ये देखेंगे इसके कारण क्या है, क्यों ये दोष उत्पन्न होता है। यदि इन कारणों का पता कर लेते हो तो लगभग आपके आधी समस्या दूर हो जाएंगे। तो ये क्यों होता है, देखो एक तो होता है कि आपस में कब शॉर्ट होंगे, जब आप आर्मेचर को रिवाइंड करेंगे, नई वाइंडिंग स्थापित करेंगे, एक तो तब हो सकता है, या फिर कहेंगे सर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित कर दी उसके बाद दोष उत्पन्न हुआ है तो क्यों होगा। तो सबसे पहला कारण क्या है, ये किसी भी दोष को पढ़ेंगे तो ये हो सकता है कि ओवरलोड पे मशीन चलाएंगे। तो सबसे पहला लिख सकते हैं कि मशीन का ओवरलोड स्थिति में चलाने से, वाइंडिंग के अचालक आवरण का जल जाना, सबसे पहला दोष ये इस कारण हो सकता है। और ये शॉर्ट सर्किट दोष होता है, वाइंडिंग पूरी जली जाती है। ठीक है, तो मशीन का पहला कारण है मशीन का ओवरलोड को हिंदी में कहते हैं अति भार। क्या कहेंगे, अति भार स्थिति में, ओवरलोड स्थिति में चलाएंगे, किसमें चलाएंगे, ओवरलोड का मतलब कि आवश्यकता से अधिक भार स्थापित करना, ओवरलोड स्थिति में चलाने से, आर्मेचर वाइंडिंग के अचालक आवरण या अचालक परत आवरण का जल जाना, ये दोष उत्पन्न हो सकता है। सबसे पहला आता है अचालक आवरण का जल जाना। अब ये देखना कि वाइंडिंग में जब वाइंडिंग बनाएंगे, वाइंडिंग वायर लेंगे, तो उसके ऊपर के कौन सा अचालक आवरण होता है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, किस प्रकार के अचालक आवरण का प्रयोग करते हैं, इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं, सुपर एनामेल अचालक आवरण का प्रयोग करते हैं। किसका, सुपर एनामेल अचालक, एक प्रकार का अचालक आवरण होता है सुपर एनामेल। एक कॉपर के तार पे, या आजकल एल्यूमिनियम के तार आ गए हैं, उन पे एक पॉलिश होती है जिसका नाम है एनामेल के पॉलिश, और बेस्ट क्वालिटी के लगाएंगे तो क्या कहेंगे, सुपर एनामेल। इसलिए आपको सामने क्वेश्चन आए
की वाइंडिंग में किस तार का प्रयोग करते हैं, सुपर एनामिल कॉपर वायर। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में सुपर एनामिल कॉपर वायर, आर्मेचर वाइंडिंग में सुपर एनामिल कॉपर वायर, फिर स्टेटर वाइंडिंग में आर्मेचर जो भी होगा उसमें सुपर एनामिल कॉपर वायर, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में जहां भी आप कॉइल या वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं वहां सुपर एनामिल कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं। तो सुपर एनामिल के पार इसका जल जाना कब, ओवरलोड की स्थिति में। क्यों जलेगी, मशीन में और हीट हो जाएगी, और हीट होगी तो क्या होगा, जल जाएगी। फिर ये कह सकते हैं दूसरा कारण है कि कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच, कम्यूटेटर के दो सेगमेंट होंगे, आपस में बहुत से सेगमेंट होंगे, और कम्यूटेटर दो सेगमेंट आपस में किससे इंसुलेटेड होते हैं, आपको ध्यान होगा किसी आर्मेचर के कम्यूटेटर के दो सेगमेंट आपस में माइका से इंसुलेटेड होते हैं, किससे, माइका से, अब्रिक्स से इंसुलेटेड होते हैं। तो वो बिल्कुल फिनिश होती है तो क्या करें, क्या होगा कि आर्मेचर पर ओवरलोड करेंगे तो कार्बन बूस्ट जलेंगे, स्पार्किंग होगी ओवरलोड पे, स्पार्किंग होगी तो कार्बन बूस्ट जलेंगे और जल के क्या होगा, कचरा दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में कचरा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच कार्बन चूर्ण का जम जाना, क्या लिखेंगे, दूसरा, दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच कार्बन चूर्ण का जम जाना, यह भी एक कारण होता है। तब भी क्योंकि कम्यूटेटर सेगमेंट से आर्मेचर के कॉइल संयोजित होते हैं और दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट आपस में मिल जाएंगे तो पूरी की पूरी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तो यह भी एक कारण हो सकता है। अच्छा, तीसरा कारण देखेंगे क्या होता है कि नई वाइंडिंग स्थापित करते समय, अब देखो ये दो कारण है, वाइंडिंग स्थापित करने के बाद, मशीन चलने के बाद की कंडीशन है, लेकिन ये पहले भी तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट, पहले कब, जब नई वाइंडिंग स्थापित करेंगे या नया आर्मेचर बनाएंगे तब भी तो हो सकता है। तब कब होगा, नई वाइंडिंग स्थापित करते समय उचित मात्रा में उचित श्रेणी का अचालक प्रयोग नहीं करना, लिख लेना, नई वाइंडिंग स्थापित करते समय, नई वाइंडिंग बनाएंगे जैसे आर्मेचर को नया बनाएंगे, रिवाइंड करेंगे उस समय करेंगे तो उचित मात्रा का अचालक या उचित श्रेणी का अचालक प्रयोग नहीं करना एक शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है। एक आता है क्या, उचित मात्रा में अचालक प्रयोग नहीं करेंगे या उचित श्रेणी का अचालक प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट का, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकते कॉइल, तो यह भी एक फर्स्ट क्वालिटी का अचालक प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, एक आता है। फिर अगला एक तीन हो गए, चौथा आपको लिखवा देता हूं, तीन तीन चार चार कारण होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, आपको पूरी कारण लिखवा दूंगा, पूरी स्थिति आपको मैं लिखवा दूंगा कि क्या क्या स्थिति हो सकती है। नई वाइंडिंग करते समय वाइंडिंग लीड जो होगी, जो संयोजन करेंगे कहाँ करेंगे, आपको देखना है कि आर्मेचर पर जब वाइंडिंग स्थापित करते हैं तो वाइंडिंग के संयोजन कहाँ होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट पे होते हैं, कॉइल के दो लीड्स होगी, दो लीड्स का संयोजन कहाँ होता है, आपको ध्यान होगा दोनों लीड्स का संयोजन आपको बताया था, जैसे कि आप देखोगे ये एक कम्यूटेटर है, क्या है, कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, और मैंने आपको बताया कि एक कम्यूटेटर ये, तो ये क्या है कम्यूटेटर, कॉइलों का संयोजन कहाँ, इस कम्यूटेटर सेगमेंट से इससे हुआ, क्योंकि ये क्लोज वाइंडिंग है, तो कॉइल के संयोजन, दो लीड्स के संयोजन कम्यूटेटर सेगमेंट भी हुए। तो ये कह सकते हैं कि नई वाइंडिंग स्थापित करते समय वाइंडिंग लीड्स का कम्यूटेटर सेगमेंट पर अच्छी तरह से सोल्डरिंग नहीं करना, आपको ध्यान होगा, ये जब मैंने डीसी मशीन पढ़ाई थी तब दिया होगा, बताया होगा कि इस वाइंडिंग के संयोजन कम्यूटेटर पर करते हैं तो कहां करते हैं, राइजर पर करते हैं, राइजर क्या होगा, कम्यूटेटर सेगमेंट का थोड़ा सा भाग उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, और जिस पर वाइंडिंग के संयोजन करते हैं, जैसे ये पत्ती है, ये सेगमेंट है, इसका थोड़ा भाग उठा देंगे और यहाँ वाइंडिंग का संयोजन आएगा, तो क्या होगा, यहाँ ऐसे प्लास से ऐसे नहीं करते हैं कि आप प्लायर से कर दोगे, नहीं, सोल्डरिंग की जाती है, तो सोल्डरिंग अच्छी तरह से नहीं होना भी एक शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है। तो कह सकते हैं चौथा कारण ये लिख सकते हैं कि वाइंडिंग, नई वाइंडिंग स्थापित करते समय वाइंडिंग लीड्स अर्थात कॉइल लीड्स का कम्यूटेटर सेगमेंट पर अच्छी तरह से सोल्डरिंग नहीं होना भी एक शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है। तो दोस्तों ये तो थे आपके शॉर्ट सर्किट के कारण कौन कौन सकते हैं, दो मैंने लिखवाए हैं और दो आपको मैंने बोर्ड पे लिख के दिए हैं, चारों कारण होते हैं, ये तो जब मशीन चलती है उसके बाद होते हैं, और जो मैंने आपको पहले बताए वो पहले हो सकते हैं, ठीक है। अब अगला दोष देखते हैं, ओपन सर्किट दोष, खुला पथन दोष क्या होता है, ये भी वाइंडिंग जब ओपन हो जाती है उस समय उसी को कहते हैं दोष, चलो मैं आपको ये भी लिखवा देता हूँ और बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों जब आप इस वीडियो को देखते हो और आप धीरे धीरे नोट्स बनाते हो, तो यदि कंप्लीट रूप से नोट्स तैयार हो जाते हो और आप रिवीजन लगाते हो, तो शायद आपको नियमित थ्योरी धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती होगी।
यदि फिर भी आपको समस्या याद नहीं होता है या नोट्स लिखने में आपको समस्या आती है तो मेरे को कमेंट्स लिख के बताना। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और अपने मन के विचार इस वीडियो के प्रति क्या है वो कमेंट्स में लिख के जरूर जाना। जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं नहीं कहता कि आप शाबाशी आप इसमें लाइक करो या आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, नहीं, आपके मन में भी और भी विचार हैं तो आप कमेंट्स में लिख के जरूर जाना कि सर हमें इस वीडियो के प्रति ये नहीं मिला, तो आपको वो भी आपकी समस्या दूर करवाई जाएगी, ठीक है। और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करना ताकि और किसी के भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए और वह भी अपनी एक मंजिल को हासिल कर सके, अच्छी एक एजुकेशन पा सके। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करके जाना। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंप्लीट रूप से अध्ययन करने के लिए नियमित पैटर्न के आधार पर डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर विजिट जरूर करके देखें कि क्या है इस चैनल में जो कि सर बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगला दोष दिखाता हूँ, ओपन सर्किट दोष क्या होता है। अब देखेंगे दूसरा दोष कौन सा, ओपन सर्किट दोष। ओपन सर्किट खुला पथन दोष ये देखेंगे। चलो सबसे पहले ये देखेंगे खुला पथन दोष किसे कहते हैं, ओपन सर्किट दोष कहते किसे हैं। सबसे पहले उसके बारे में विचार करेंगे, फिर उसके कारणों का विचार करेंगे। तो कहेंगे कैसे, किसी देखो ओपन होगा, खुला होगा या अर्थ होगा या फिर रिवर्स कनेक्शन होंगे, सबके सब किस में होंगे, आर्मेचर की कॉइल में होंगे, आर्मेचर की वाइंडिंग में होंगे। तो किसी आर्मेचर कॉइल की लीड, समझ गए, किसी आर्मेचर कॉइल की लीड्स या लीड से संबंधित कम्यूटेटर सेगमेंट से संयोजन के बिना छूट जाना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये आर्मेचर है, समझ लें मेरी बात को, जैसे ये कम्यूटेटर है और कम्यूटेटर पर ये क्या है, सेगमेंट है, ये क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये सेगमेंट है, इनसे क्या होगा, एक आर्मेचर की कॉइल जुड़ी होगी, ऐसे ऐसे जुड़ी होगी। तो ओपन सर्किट कब होगा, या तो ये यहां से टूट जाएगी, इस कॉइल का कोई प्रयोग नहीं है, या फिर ये नहीं होगी तो यहां कम्यूटेटर सेगमेंट का राइजर होगा, राइजर पे जहां सोल्डरिंग करेंगे सोल्डरिंग हट जाएगी या इसका संयोजन इससे साफ नहीं होगा। तो फिर ये कह सकते हैं, परिभाषा फिर सुनना, किसी आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल लीड तथा इससे संबंधित कम्यूटेटर, ये कॉइल लीड है, ये लीड है सारी कॉइल की, कॉइल के सिरे हैं, किसी आर्मेचर कॉइल के सिरे या लीड्स तथा इससे संबंधित कम्यूटेटर सेगमेंट, समझ गए, कम्यूटेटर सेगमेंट से संयोजन किए बिना कॉइल का छूट जाना, कॉइल वायर का छूट जाना, या संयोजन किए बिना कॉइल को छूटने के बाद कॉइल वायर का टूट जाना या कॉइल वायर का जल जाना या कॉइल वायर का हट जाना, ओपन सर्किट दोष कहलाता है। तो आप इसकी परिभाषा लिख लो, मैं लिखवा देता हूं, किसी आर्मेचर क्वाइल लीड, लिखो, किसी आर्मेचर क्वाइल लीड तथा क्वाइल लीड से संबंधित कम्यूटेटर सेगमेंट तथा क्वाइल लीड से संबंधित कम्यूटेटर सेगमेंट से संयोजन किए बिना छूट जाना, ठीक है, संयोजन किए बिना छूट जाना तथा क्वाइल लीड का कहीं से टूट जाना या फिर जल जाना, ओपन सर्किट दोष होता है। ये तो थी इसकी परिभाषा। अब ये होता क्यों है, इस प्रकार की कंडेंसर क्यों आती है, वो देखना जरूरी है, ठीक है। यदि तब तक वो नहीं देखेंगे तो आपके समझ में ये नहीं आएगा कि ओपन सर्किट कैसे होगा, और यदि आपको कारणों का पता लग जाएगा तो ओपन सर्किट दोष का निवारण करेंगे, ओपन सर्किट दोष को खोजेंगे कैसे वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अब देखेंगे कारण, क्या देखेंगे, कारण देखते हैं, ओपन सर्किट दोष का कारण देखते हैं। अब कारण में क्या होगा, क्यों जल जाएगी, आपको दिखाता हूं, मैं चित्र डायग्राम बना देता हूं यहां पे, क्यों लीड जल जाएगी, ये कम्यूटेटर सेगमेंट रहेंगे आप लोगों के, और यहां पे एक क्वाइल, ये क्वाइल, ये क्वाइल, ये क्वाइल, ये क्वाइल है, ये क्वाइल यहां पे। अब इनका क्यों टूटना, क्यों जल जाना है, पहला कारण, मशीन ओवरलोड पे चलाएंगे, मशीन ओवरलोड की स्थिति में प्रचालित करने से, सबसे पहला कारण आता है मशीन चलने के बाद जो कारण होता है वो सबसे पहला आता है ओवरलोड की स्थिति में, चाहे शॉर्ट सर्किट हो चाहे वो ओपन सर्किट हो, सबसे पहला आता है कि मशीन चलने के, मशीन बनाते समय की बात करेंगे तो बात अलग है, लेकिन सबसे पहला कारण ओवरलोड का आता है।
मशीन को ओवरलोड स्थिति में प्रचालित करने से मशीन में पैदा हुई हीट, ओवरलोड में प्रचालित करेंगे हीट उत्पन्न होगी, पैदा हुई हीट से लीड के संयोजन का शोल्डर से हट जाना सबसे पहला कारण आता है। लिख देता हूं यहां पे मैं, पहला कारण मशीन ओवरलोड या अति भार पर प्रचालित करने से मशीन में उत्पन्न हुई हीट, हीट का मतलब ऊष्मा, उत्पन्न हुई हीट, हीट का मतलब ऊष्मा, ठीक है, उत्पन्न तो होगी, ओवरलोड पे चलाएंगे तो हीट उत्पन्न होगी, मशीन गर्म हो जाएगी, गर्म होने से आर्मेचर गर्म हो जाएगा, आर्मेचर गर्म होने से क्या होगा, यदि और हीट हो जाएगी तो क्या होगा, ऊष्मा से लीड संयोजन के शोल्डर पिघलने से, यहां सोल्डरिंग करते हैं, सब कनेक्शन आपस में सोल्डरिंग है, लीड संयोजन के, लीड कनेक्शन जहां लीड के कनेक्शन होते हैं के शोल्डर पिघलने से, शोल्डर पिघलने से ये दोष उत्पन्न होता है, ये दोष उत्पन्न होता है, एक कारण ये होता है, ठीक है। अब ये तो था पहला कारण, या फिर मशीन के संयोजन शोल्डर पिघलेंगे तो फिर ये कह सकते हैं कि पिघलने से, या फिर या कहिए या लीड उखड़ने से, पिघलेंगे, पिघलने से क्या होगा, लीड उखड़ जाएगी, लीड उखड़ने से या लीड हटने से, लीड हटने से या फिर लीड के जल जाने से, लीड के जल जाने से बहुत से कारण है, मतलब एक लिखे कि पिघले दो शोल्डर पिघल जाएगा तो एक कंडीशन आ सकती है, लीड के जल जाने से, लीड के अलग हो जाने से, तो क्या होगा, इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा कारण क्या है, अब दूसरा कारण देखिए, आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर होगी, देखो अब कब होगा कनेक्शन, आर्मेचर में वाइब्रेशन ज्यादा होगा, आर्मेचर वाइब्रेशन करेगा, आर्मेचर में वाइब्रेशन कब होगा, या तो आर्मेचर की जो पत्तियां हैं, आर्मेचर कोर उनको टाइट अच्छी नहीं हुआ, या फिर एक आर्मेचर पर कम्यूटेटर की फिटिंग अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, आपस में खिंचाव, वाइब्रेशन होगा, आपस में खिंचाव होगा, खिंचाव से तार खींचेंगे, वहां से तार खींच के, या फिर वाइंडिंग के जो लीड है वो खींचेंगे, खींच के टूट जाएंगे, तो फिर ये कह सकते हैं कि आर्मेचर कोर तथा कम्यूटेटर के सही फिटिंग नहीं होने से क्या होगा, आर्मेचर कोर, दूसरा कारण होता है आर्मेचर कोर तथा कम्यूटेटर की सही फिटिंग नहीं होने से ये दोष उत्पन्न हो सकता है, एक कारण ये बन सकता है। और यदि आप कहोगे सर नहीं, यदि फिटिंग सही नहीं होगी क्या होगा, आपस में खिंचाव होगा, क्या होगा, आपस में खिंचाव होगा, या फिर ढीली, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ढीली फिटिंग होने से, ढीली फिटिंग होने से खिंचाव के कारण आपस में, आपस में लिख लो, आपस में खिंचाव के कारण ये दोष होता है, खिंचाव के कारण, खिंचाव के कारण हो सकता है, ठीक है। ये तो थे एक दूसरा कारण, या फिर खिंचाव के कारण क्या होगा, फिर खिंचाव से क्या होगा, आगे लिख दे, खिंचाव के कारण क्वाइल लीड का टूटना, ऐसे कर लो, क्वाइल लीड का टूट जाना, बस सारी बातें लिखवा दी मैंने, टूट जाना ये दोष का कारण हो सकता है। तीसरा कारण देखते हैं, वाइंडिंग स्थापित करते समय, जब अब मैंने आपको बताया कि यहां से सब मैंने संयोजन के बारे में, अब तार यहां से कट गया या टूट गया, या वाइंडिंग के बीच में टूट गया, तो क्या ओपन सर्किट दोष नहीं होगा, हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, क्वाइल का ओपन कहीं से हो सकता है, तो क्या कर सकते हैं, जब वाइंडिंग स्थापित करेंगे और सावधानी नहीं बरतेंगे तो यहां से क्वाइल तार टूट सकता है, तो फिर क्या होगा, सर ये बीच में टूट गया, ओपन सर्किट हो गया, तो ये नई वाइंडिंग स्थापित करते हैं उस समय भी दोष हो सकता है, कैसे, असावधानी पूर्वक काम करने से, सावधानी नहीं बरतने से, असावधानी वंश हो सकता है, अपने आप में ये कोई नहीं करना चाहता कि तार कैसे टूट जाए वाइंडिंग स्थापित, ये चाहते हैं कि बिल्कुल वाइंडिंग अच्छे तरह से हो जाए, क्वाइल अच्छे तरह स्थापित हो जाए, लेकिन
हो सकता है कि मतलब कि भूलवश हो जाए, तो कह सकते हैं कि वाइंडिंग स्थापित करते समय सावधानी नहीं बरतने से वाइंडिंग का कट जाना, वाइंडिंग का टूट जाना, कॉइल का कट जाना टूट जाना भी हो सकता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे चौथा तीसरा कारण, वाइंडिंग स्थापित करते समय, वाइंडिंग स्थापित करते समय, वाइंडिंग स्थापित करते समय सावधानी नहीं बरतने से, सावधानी नहीं बरतने से वाइंडिंग का कहीं से टूट जाना या कट जाना, यह भी एक दोष होता है। ठीक है, तीन कारण ये हो सकते हैं। अब यह देखना जरूरी है कि एक छोटी सी बात और आती है, जब अपने यहां पे इनका सोल्डरिंग करते हैं, सबके राइजर पे सोल्डरिंग, सबके कनेक्शन, या राइजर होगा थोड़ा भाग उठा हुआ इसको सोल्डरिंग करेंगे, सबकी सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग शुष्क हो जाती है, मतलब सोल्डरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, तो फिर ये कह सकते हैं कि सोल्डरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो वाइंडिंग जब स्थापित करोगे तो वहाँ थोड़ा सा बल लगेगा, जो चलाएंगे तो वहाँ बल लगेगा, जैसे कि सोल्डरिंग हट जाएगी वहाँ से। तो क्या कह सकते हैं, नए वाउंड आर्मेचर में कम्यूटेटर सेगमेंट पर की गई सोल्डरिंग शुष्क रह जाना, ये लिख लेना, शुष्क रह जाना लिख देता हूँ यहाँ पे मैं कारण में, नए नए वाउंड लिख देते, अगला कौन लिख देते हैं भाई, जो भी कारण होंगे आपको धीरे धीरे जो भी कारण होता हूँ कि शुष्क एक लाता है, ये तो सबको पता कि भाई नहीं कहीं से ओपन होगी, तो ये हो सकता है कि भाई ओपन सर्किट दोष हो सकता है। लेकिन ये इस प्रकार की कंडीशन आती है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है कि कम्यूटेटर राइजर पर सोल्डरिंग का शुष्क रह जाने से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, सोल्डरिंग का शुष्क मतलब ड्राई सोल्डरिंग होना, प्रॉपर रूप से सोल्डरिंग नहीं होना, तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है, तो वहां होती है ओपन सर्किट दोष। तो लिख सकते हैं नए वाउंड आर्मेचर में, नए वाउंड आर्मेचर में कम्यूटेटर सेगमेंट पर की गई सोल्डरिंग का शुष्क रह जाना, ये भी एक अपने आप में ओपन सर्किट का दोष, दोष का कारण बन सकता है। तो ये तो थी ओपन सर्किट दोष। देखो मेन रूप से तीन दोष होते हैं, ओपन सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, एक अर्थ फॉल्ट भी आता है। ठीक है, तो मैंने आपको चार दोष लिखे, फिर आपको ये लिखूंगा कि दोष की जांच कैसे करेंगे कि इसमें कौन सा दोष है, ये भी आपको बताऊंगा। तो अब एक अगले दोष की बात करते हैं, कौन सा दोष आएगा, अर्थ फॉल्ट आएगा। चलो अर्थ फॉल्ट की और बात कर लेते हैं, अर्थ फॉल्ट इसको कहते हैं भू संपर्कन दोष, भू संपर्कन दोष। अब देखो ये तो है आपकी शाफ्ट, यहां क्या है, ये अंदर क्या है, शाफ्ट है, ये आपका क्या है, कम्यूटेटर है, बस शाफ्ट और कम्यूटेटर। और इसके देखो जैसे बताऊं, ये क्या है, शाफ्ट है, ये पीछे क्या है, आर्मेचर है, ये इसके ऊपर क्या है, कम्यूटेटर है। तो शाफ्ट पूल की सीधी एक शाफ्ट होती है, उसके ऊपर कम्यूटेटर होता है और आर्मेचर होता है, और बीच के अंदर से क्या होती है, शाफ्ट होती है। आप किसी डीसी मशीन को खोल के देखोगे, या मोटर के शाफ्ट होती है, मोटर के शाफ्ट पे क्या होता है, डीसी मशीन में आर्मेचर होता है और कम्यूटेटर होता है। यदि वही आर्मेचर शाफ्ट से टच हो जाएगा और वही कम्यूटेटर शाफ्ट से टच हो जाएगा या स्पर्श कर जाएगा, तो क्या कह सकते हैं कि पूरी मशीन में करंट आने की संभावना, करंट लगने, झटका लगने की संभावना हो जाती है। यदि कम्यूटेटर टच होगा तो झटका लगने की संभावना रहेगी, और यदि आर्मेचर में, यदि आपको देखो आर्मेचर में मिस्टेक है, आर्मेचर टच हो तो भी आपको झटका लगने की संभावना रहेगी। तो दोनों के दोनों, कम्यूटेटर और आर्मेचर, दोनों शाफ्ट से टच नहीं होने चाहिए, तो फिर ये दोष किसे कहेंगे, या फिर आर्मेचर की क्वाइल है वो शाफ्ट से टच नहीं होनी चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि आर्मेचर कॉइल की जो लीड है वो शाफ्ट से टच नहीं होनी चाहिए।
मतलब किसी भी प्रकार का हिस्सा जो आपको लगता है कि आर्मेचर या कम्यूटेटर से संबंधित है या कॉइल से संबंधित है, शाफ्ट से टच नहीं होना चाहिए, टच है तो अर्थ पार्ट दोष है। जैसे इसके ऊपर वाइंडिंग करेंगे वो शाफ्ट से टच नहीं होना चाहिए, कॉइल लगाएंगे शाफ्ट से टच नहीं हो, आर्मेचर भी स्थापित करेंगे शाफ्ट से टच नहीं हो, आर्मेचर में कॉइल लगाएंगे शाफ्ट से टच नहीं हो, फिर कम्यूटेटर लगाएंगे शाफ्ट से टच नहीं हो, शाफ्ट से किसी भी प्रकार के आर्मेचर से संबंधित कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी भाग टच नहीं होना चाहिए, टच हो जाता है तो कहेंगे अर्थ पार्ट दोष हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे ये भी देखना आप लोगों को जरूरी, लिखेंगे क्या आर्मेचर के कॉइल, सबसे पहले बात कॉइल की बात करते हैं, फिर कॉइल लीड, दो बात होगी आर्मेचर के कॉइल, कॉइल लीड और या फिर कम्यूटेटर सेगमेंट का मोटर के शाफ्ट से टच हो जाना अर्थ पार्ट होता है, समझ गए। तो आर्मेचर लिख लिया यहां पे क्या होता है, आर्मेचर की कॉइल या कॉइल लीड या फिर या कम्यूटेटर का मोटर की शाफ्ट से टच हो जाना, टच का मतलब स्पर्श हो जाना क्या होगा, अर्थ फॉल्ट दोष होगा, अर्थ फॉल्ट होगा। अब यह कंडीशन कब उत्पन्न होती है, क्यों उत्पन्न होती है, कारण क्या हो सकते हैं, यह भी देखना आप लोगों को जरूरी है। तो अर्थ फॉल्ट के कारण और देख लेते हैं, ये भी कब होगा, ये कॉइल लीड कब जड़ जाएगी ओवरलोड की स्थिति में, और ओवरलोड की स्थिति में से कब, जब ओवर हीट हो जाएगी मोटर तब ये कंडीशन आती है। तो इसमें लिख सकते हैं कि मशीन को ओवरलोड स्थिति में अधिक समय तक चलाने से, ओवरलोड स्थिति में अधिक समय तक चलाने से पैदा हुई ऊष्मा से वाइंडिंग तथा स्टेटर का इंसुलेशन जल जाना अर्थ फॉल्ट होता है। लिख लेना पहला कारण, मैं लिखवा देता हूं पहला कारण लिख लो पहले आपको, फिर मैं बोल के लिखवा देता हूं कि अब मशीन को ओवरलोड स्थिति में अधिक समय तक चलाने से पैदा हुई ऊष्मा से वाइंडिंग तथा स्लॉट इंसुलेशन का जल जाना अर्थ फॉल्ट दोष का कारण बनता है। दूसरा कारण देखो, दूसरा कारण कि अब इसके संयोजन राइजर पर संयोजन होंगे, है ना, राइजर पर संयोजन का दूसरा कारण ये हो कि भाई शाफ्ट से कोई चीज टच नहीं होना, टच होगी तो क्या होगा, अर्थ फॉल्ट होगा। तो किसी भी प्रकार के, पहला तो बता दिया मैंने आपको कि आर्मेचर जो आर्मेचर का स्लॉट है वहां इंसुलेशन लगाएंगे वो जड़ जाएगा तो फिर वाइंडिंग टच हो जाएगी आर्मेचर से, उसका भी नहीं होगा। तो फिर ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटराइजर का कार्बन धूल से, धूल के द्वारा शाफ्ट से स्पर्श हो जाना, कि कम्यूटेटर राइजर है उन पर कार्बन का कचरा जम जाएगा और कचरा जम के शाफ्ट तक पहुंच जाएगा तो फिर वो एक आपस में एक टच होने की स्थिति आती है। तो लिख सकते कम्यूटेटर राइजर राइजर किसे कहते हैं, भले आते हैं राइजर कम्यूटेटर सेगमेंट का वह उठा हुआ भाग, मैं पहले लिखा चुका फिर बता दो, कम्यूटेटर सेगमेंट का वह उठा हुआ भाग जहां पे वाइंडिंग के संयोजन होते हैं, आर्मेचर कॉइल के संयोजन होते हैं, उस भाग को राइजर कहते हैं, समझ गए। कम्यूटेटर सेगमेंट का वह उभरा हुआ भाग जहां पर आर्मेचर कॉइल के संयोजन किए जाते हैं उस भाग को कहते हैं राइजर। तो कम्यूटेटर पर संयोजन नहीं होते, कम्यूटेटर सेगमेंट पर संयोजन, कम्यूटेटर सेगमेंट का वह भाग होता है जो थोड़ा सा उभरा करके रखते हैं वहां राइजर होते हैं, तो कम्यूटेटर सेगमेंट का भाग होता है राइजर। तो कम्यूटेटर राइजर का कार्बन धूल के द्वारा शाफ्ट से, कम्यूटेटर राइजर का कार्बन धूल के द्वारा शाफ्ट से स्पर्श कर जाना, शाफ्ट से स्पर्श करना, यह भी एक दोष हो सकता है या स्पर्श हो जाना। अब अगला देखते हैं कि अर्थ फॉल्ट क्यों होता है, फिर इनकी विधियां बताऊंगा। नई वाइंडिंग में लगाए गए वार्निश का पूर्ण रूप से शुष्क नहीं होना या पूर्ण रूप से सूखना, पूर्ण रूप से नहीं सूखना या नमी रह जाना, क्योंकि आपको पता है कि वाइंडिंग करेंगे तो उसके ऊपर क्या करेंगे, वार्निश डालेंगे। वार्निश क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा तरल ऐसा लग होता है, सूखने के बाद वो हार्ड हो जाता है और जहां भी खाली स्थान जहां दिखता है वहां पैक हो जाता है और वाइंडिंग का इंसुलेशन मजबूत कर देता है, वाइंडिंग को आर्मेचर से
या फिर सबको आपस में इंसुलेशन के, जहां भी आपको लगे खाली स्थान वहां इंसुलेशन कर देता है। यदि उस वार्निश नमी होगी तो अर्थ फाड़ दोष हो सकता है। तो लिख सकते हैं नई बाइंडिंग में लगाए गए वार्निश का पूर्ण रूप से नहीं सूखना या फिर नमी का रह जाना अर्थ फाल्ट होता है, ये भी एक खाद है। चलो अगले कारण की बात कर, लिख लेना धीरे धीरे सारी बातें, ठीक है। अब अगला दोष क्या आता है, नई बाइंडिंग करते समय स्लॉट इंसुलेशन का अपने स्थान से खिसक जाना, ठीक है। नई वाइंडिंग लगाएंगे और वाइंडिंग का आप तार डालोगे, वाइंडिंग कॉइल स्थापित करोगे तो स्लॉट इंसुलेशन का खिसक जाएगा और वो स्लॉट में इंसुलेशन नहीं होगा या साइड में हट जाएगा, खिसक जाएगा, तो वहां से क्या होगा, वाइब्रेशन से वो कॉइल का ऐसा लगावन हटेगा और वो आर्मेचर से टच हो जाएगा। तो कह सकते हैं नई वाइंडिंग स्थापित करते समय स्लॉट इंसुलेशन का अपने स्थान से थोड़ा सा या खिसक जाना वहां से क्या होगा, एक प्रकार का अर्थ फॉल्ट का कारण बन सकता है। चलो अगले बताता हूं, धीरे धीरे सारे दोष बताता हूं। फिर कम्यूटेटर सेगमेंट का कॉइल लीड, कम्यूटेटर सेगमेंट पर कॉइल लीड का शोल्डर करेंगे, क्या करेंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट ये कॉइल लीड का शोल्डरिंग करेंगे, कम्यूटेटर लीड का कम्यूटेटर पर कॉइल लीड की शोल्डरिंग करते समय शोल्डर का शाफ्ट और कम्यूटेटर के बीच में जम जाना, ठीक है। यहां शोल्डरिंग करेंगे और माना कि ये शाफ्ट है, शाफ्ट के बाहर क्या है, कम्यूटेटर, दोनों के बीच में गैप होता है, माइका लगे तो माइका पर शोल्डरिंग का ऐसे गिर जाएगा तो दोनों को टच करवा देगा। तो कह सकते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट का कॉइल लीड से शोल्डरिंग करते समय शोल्डर का कम्यूटेटर और शाफ्ट के बीच में जम जाना एक अर्थ फॉल्ट का कारण बन सकता है। ये दोस्तों थे आपके तीन दोस्त। अब कॉइल रिवर्स कनेक्शन दोष दिखाता हूं आप लोगों को। कॉइल रिवर्स कनेक्शन फॉल्ट आता है, चौथा बताया था मैंने आपको, कॉइल रिवर्स कनेक्शन फॉल्ट ये आता है। ये उल्टे संयोजन से होता है, वाइंडिंग करेंगे, वाइंडिंग स्थापित करेंगे और कॉइलों के संयोजन करेंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट पर करेंगे, सेगमेंट पर राइजर पर करेंगे, उस समय यदि कोई कनेक्शन उल्टा हो जाता है या कॉइल का विपरीत दिशा में संयोजन होना, कॉइल रिवर्स कनेक्शन फॉल्ट कहलाता है, ठीक है। अब ये दोष कब होगा, ये दोष तब भी होगा जब नया आर्मेचर बनाएंगे, नई रिवाइंडिंग करेंगे, तब ये दोष उत्पन्न होता है, बाकी बनाने के बाद नहीं होता है। तो सबसे पहले आता है कि ये दोष कहां था, नए कहां होगा, ये दोष नए वाउंड आर्मेचर में होता है, बस आर्मेचर में होता है, बाकी भुने कनेक्शन करने के बाद चलाने के बाद नहीं होता है। तो नए वाउंड आर्मेचर में होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। अभी क्यों होगा कि आर्मेचर पर जब वाइंडिंग कॉइल स्थापित करने के बाद, वाइंडिंग स्थापित करने के बाद या वाइंडिंग स्थापित करते समय जब कॉइलों के संयोजन करते हैं कि लैप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग है या पोल पिच कितनी है या फिर फ्रंट पिच कितनी है, रिवर्स या फिर रेट्रोग्रेसिव या प्रोग्रेसिव, जैसे भी आपको, तो भूल बस से एक दो कॉइल के कनेक्शन उल्टे हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं वाइंडिंग करते समय भूलवश एक या अधिक आर्मेचर कॉइल का विपरीत दिशा में संयोजन हो जाना कॉइल रिवर्स कनेक्शन फॉल्ट कहलाता है। सारे कनेक्शन की पहचान करेंगे, सारे कनेक्शनों को देखेंगे, उसके बाद में उनका निवारण करेंगे, तब जाके कहीं एक टॉपिक पूरा होगा। अब ये देखना है कि यदि ये दोष उत्पन्न हो जाता है तो क्या होगा, मशीन अपना पूर्ण लोड नहीं ले पाएगी, जैसे 5 HP की मोटर, 10 HP की मोटर जो भी है, पूर्ण लोड नहीं ले पाएगी, मतलब लोड अपने कैपेसिटी क्षमता कम हो जाएगी, तो फिर कह सकते हैं ये दोष नहीं होना चाहिए पूर्ण क्षमता से। ऐसा नहीं कि दोष होगा तो मोटर मशीन चलेगी नहीं, लोड नहीं ले पाएगी। ये तो थे आपका कॉइल रिवर्स कनेक्शन दोष क्यों होता है, कहां होता है, मैंने आपको बताया। अब इन दोष की पहचान करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग की टेस्टिंग की जाती है। लास्ट एंड में आता है कि आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करने के बाद आर्मेचर वाइंडिंग की टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं ताकि इन दोषों की पहचान हो जाए और उनकी निवारण हो जाए। तो सबसे पहले आता है वाइंडिंग का रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है, तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट होता है। फिर आता है वाइंडिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, ग्राउलर टेस्ट होता है और वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट, चार टेस्ट होते हैं। पहला आता है वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, ग्राउलर टेस्ट और वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट। इन चार परीक्षण में
इन सभी दोषों की पहचान हो जाती है। तो इन चारों दोषों का करना अनिवार्य है, और इनमें सबसे अच्छा दोष कौन सा होता है और किन ग्राउलर में दोष की पहचान कैसे करेंगे, वाइंडिंग की इंसुलेशन के रेजिस्टेंस की पहचान कैसे करेंगे या इंसुलेशन रेजिस्टेंस की पहचान कैसे करेंगे, ये आपको अगले वीडियो में पूर्ण रूप से दिखाऊंगा कि ये दोष की पहचान करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अगला। इस वीडियो को देखने के बाद वही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार हुए, समझ में आया या नहीं आया, ये अपने कमेंट्स जरूर देके जाना। कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स जरूर देके जाना कि सर वीडियो के प्रति हमारे मन में ये विचार है। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करके जाना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना था, अगले वीडियो में देखेंगे इसकी टेस्टिंग। थैंक यू, धन्यवाद।